नमस्कार गाइस। ये क्वेश्चन सीजे से ने पूछा गया है और थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, तो घबराना मत आप लोग, मैं आराम आराम से एकदम बताऊंगा। ओके सो चलो स्टार्ट करते हैं। वैसे भी लेंथी होगा थोड़ा सा, एकदम आराम से बताऊं, क्योंकि बताना है तो टाइम और ज़्यादा लगता है, वैसे करने में भी इसको 1-2 मिनट लग ही जाएगा। नॉर्मली एग्जाम में भी करने जाओ तो इस ऐसे क्वेश्चन को पहले लीव आउट करो, या तो अगर शॉर्टकट ट्रिक है इस क्वेश्चन को करने का आपके पास तो कर सकते हो। मैंने शॉर्टकट पे भी ध्यान नहीं दिया, इसको नॉर्मली कैसे बेसिक मेथड से बनाया जा सकता है वो देखते हैं। तो एवरेज जो 35 नंबर्स, यानी कि 35 नंबर्स का जो एवरेज किया है वो एन है, यानी कि उस नंबर का, उन सारे नंबर्स का टोटल सम कितना हो जाएगा? 35 एन होगा। ड्रॉपिंग द फर्स्ट नंबर 10, और ये देखो ध्यान से इसमें देखने वाली क्या बात है, कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर है। कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर क्या मतलब, अगर पहला नंबर एक्स है तो दूसरा नंबर एक्स प्लस वन, वैसे करके 35वां नंबर एक्स प्लस 34 हो जाएगा। ये कंसेक्यूटिव नंबर्स हो गए, एक्स प्लस 34 हो जाएगा कि नहीं? ये सेकंड नंबर है तो 35वां नंबर एक्स प्लस 34 होगा ना। अगर आपको एपी, देखो एपी इसीलिए पढ़ना जरूरी है, आप मेरे चैनल पर जाके देखो, मैंने शॉर्ट ट्रिक एपी के बताए हुए हैं। एपी शॉर्ट ट्रिक बस मेरे चैनल में जाकर ढूंढना मिल जाएगा आपको, ठीक है? तो एपी शॉर्ट ट्रिक कैसे मदद करते हैं आपको, जैसे यही क्वेश्चन हो गया, ठीक है? अब इसी क्वेश्चन में हमें सम पता है कि 35 नंबर का सम कितना है, और ये पता है हमें कि ये नंबर जो है वो एपी में है, क्योंकि कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं तो एपी में है। तो हम क्या कर सकते हैं, फर्स्ट टर्म एपी का सम निकालने के लिए क्या करते हैं, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, लास्ट टर्म मतलब 34 डिवाइडेड बाई 2 इंटू नंबर ऑफ टर्म्स करते हैं, इंटू नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 35, और ये क्या हो गया, ये सम ऑफ द 35 नंबर। ऑलरेडी हमें कितना दिया हुआ सम ऑफ द 35 नंबर, 35n दिया हुआ है कि नहीं? इस 35 से इस 35 कट जाएगा और ये 2x प्लस, तो ये 2x प्लस 34 होगा, 2 कॉमन लगो तो x प्लस 17 हो जाएगा, और ये 2 से 2 कट जाएगा। आप लोग इसको सॉल्व करोगे तो ये 17 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, n। क्या वैल्यू आ गया n का, ये वैल्यू आ गया। सिमिलरली आगे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ड्रॉपिंग द फर्स्ट 10 नंबर, यानी कि x x प्लस 9 तक हम ड्रॉप कर दिए, ठीक है? यहाँ तक हमने ड्रॉप कर दिया पीछे से। अब जो ले रहे हैं हम लोग x प्लस 10 से लेके, और x ये 34 लास्ट नंबर है, अब यहाँ से 10 और आगे बढ़ा दो तो x प्लस 44 हो जाएगा, जो लास्ट नंबर हो जाएगा। 45 मत कर देना, 35 से 45 करोगे, 35 से 45 10 नंबर नहीं होता है, 11 नंबर हो जाता है, ठीक है? तो ये चीज़ हमेशा बहुत लोग गलती करते हैं, तो इस चीज़ में आप सावधान रहना कि 35 से 44 तक ही 10 नंबर होता है, 35 से 45 10 नंबर नहीं होता। तो जो सेकेंड सीरीज बोल रहा है वो ये है, इसको मैं हटा देता हूँ, फर्स्ट सीरीज सॉल्व हो चुका है और हमारा एक्स प्लस 17 का वैल्यू आ चुका है। सिमिलरली जो सेकंड सीरीज है उसका भी सेम करेंगे हम लोग, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म एक्स प्लस 44 डिवाइडेड बाई 2 इंटू नंबर ऑफ टर्म्स, 35 ही टर्म होंगे क्योंकि पीछे से कटा दिए और आगे जोड़ दिए, और उनका जो एवरेज है उन सारे सम का वो क्या है, एन एम है। पहले 35 सम का एवरेज क्या था, पहले 35 वाले का 35 एन अगर सम हो जाता, अब जो नेक्स्ट लिए हैं जो 10 और आगे बढ़ा दिए हैं उन सब का सम, उनका जो एवरेज है वो क्या है, एम है, यानी कि एम इंटू 35 कर देंगे तो टोटल सम निकल जाएगा। तो यहाँ पे एम इंटू 35 एम कर दो, ये 35 एम समझ रहे हो ना आप लोग, उम्मीद है कि समझ रहे होगे। तो यहाँ पे ये हो गया, ठीक है? अब आगे यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे अगर 2x लोगे, 2x प्लस कितना हो जाएगा 54, 2x प्लस 54 होगा, 2 कॉमन लोगे तो x प्लस 27 है ना, तो x प्लस 27 हो जाएगा, x प्लस 27 इक्वल टू m है ना, ये 27 है, x प्लस 27 इक्वल टू m हो गया। ये मुझे इतना समझ के हो गया आप लोग, यहाँ पे एपी लगाते जा रहा हूँ, और अगर एपी नहीं समझते हो तो जाके सर्च कर लो यार, एपी पहले देखो, बहुत ज़रूरी चीज़ है वो, हर क्वेश्चन में आपको आएगा। यहाँ पे हमें पता है कि m माइनस, देखो ध्यान से, एम माइनस एन स्क्वायर स्क्वायर टू 600, तो एम स्क्वायर करो यहाँ पे, और आपको जो स्क्वायर्स हैं वो तो रट्टे रटाए होने चाहिए, ठीक है? जैसे 27 का स्क्वायर क्या होता है, 729। देखो इसको मैं मेट्रिक बताता हूँ कैसे आपको करना है, ठीक है? और एन का वैल्यू हमारे पास क्या है, एक्स प्लस 17 का होल स्क्वायर इक्वल टू 600। अब मैं इसको हटा दे रहा हूँ, ठीक है, ये नीचे वाला पार्ट हटा दे रहा हूँ। यहाँ पे देखोगे तो 27 का क्या होता है 729, 17 का क्या होता है 289। अगर देखो 27 का याद रखने का कैसे तरीका है, अगर आप 23 24 का याद रखते हो, 23 का क्या होता है 530, 24 का क्या होता है 576, 23 का 529 529 और 24 को 24 का 576, वैसे ही 25 का 625 तो सबको याद रहता है, लेकिन 26 का क्या होता है
26 का 676 होता है, देखो 24 का क्या होता है 576, 26 का क्या होता है 676, अब 25 के 2 आगे आ जाओ और 25 के 2 पीछे चल जाओ, 23 का क्या होता है 529 और 25 के 2 आगे 27 का क्या हो जाएगा 729 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम मैंने बस ट्रिक बताया याद रखने का, आप लोग उस मदद से याद रख सकते हो कि स्क्वायर कर दो इसको और ये हो जाएगा 27 का 729 और यहाँ पे प्लस अभी हमने क्या किया था 54x, 54x यहाँ पे माइनस करोगे तो ये स्क्वायर हो जाएगा और अभी मैंने बताया 27 का क्या होता है, माइनस ही करना पड़ेगा, 27 का 289 होता है, 289 और माइनस 17 दूना 34 होता है, 34x=600। ओके ये लड्डू थोड़ा नीचे आ गया, कोई बात नहीं, लड्डू को आप लोग पचा लेना, यहाँ से ये कट जाएगा, यहाँ से देखोगे तो इसको हम पहले इसको हटाते हैं, तो 20x ये हो जाएगा, 20x=, इसको कटाओगे तो 0 और 12 में से आठ जाएगा 4 और यहाँ 6 बचेगा, 6 में से 2 जाएगा, इतना सही है ना, 6 में से 2 जाएगा 4, वही दस नहीं, ये हो जाएगा यहाँ से 0, 29 ये हो जाएगा, 12 में से आठ जाएगा 4 और ये 6 में से 2 जाएगा 4, सही है, सच में सही है। हाँ मुझे क्यों नहीं लग रहा, नहीं सही सही, मैं इक्वल टू क्यों कर रहा हूँ यहाँ पे, वही तो इक्वल टू मैंने क्यों किया, एक्स माइनस 440 सही। और यहाँ पे जो इक्वल टू ये 600 लड्डू वाले इसको ले लो यहाँ पे, और एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल टू इधर 60 और ये 100, 160 बीस एक्स इक्वल टू, तो एक्स 0 0 कट जाएगा 2 से, एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा 8, एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा 8, यानी कि जो पहला टर्म ऑफ द डिजिट है, जो पहला जो नंबर शुरुआत हो रहा है उसका पहला डिजिट क्या है, या फिर इससे हमें क्या मतलब है, हमने अभी शुरू में क्या निकाला था, देखो हमें यहाँ पे निकालना है द एवरेज ऑफ 3m एंड 3n, हमें हमें अभी अभी उस समय m का वैल्यू क्या आया था, मैं भूल ही गया हूँ, ये था ना, ये m का वैल्यू था, m का वैल्यू x प्लस 27 था और n का वैल्यू क्या था x प्लस 17, तो एवरेज ऑफ n प्लस x का वैल्यू आ गया, तो यहाँ पे x आ गया तो m और n निकाल सकते हो, अब आप इजिली निकाल सकते हो, कुछ निकालना ही नहीं है भाई, ठीक है। तो यहाँ पे अगर m आ गया, x का वैल्यू आ गया, तो m का वैल्यू क्या हो जाएगा 35, m का वैल्यू 35 आ गया और 35 में 3 से इंटू करना आपको, और प्लस एवरेज निकालना है तो एन का वैल्यू क्या हो जाएगा 25, 17 और 8 डिवाइडेड बाई 2, इनका एवरेज निकालना है, यही क्वेश्चन सॉल्व करना है, 35 ये कितना हो जाएगा 105 और ये हो जाएगा इंटू 25 इंटू 5 करना है, एन का वैल्यू 25 है और इंटू 5 करना है, तो 25 5 है 125 होता है, ये डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, ठीक है इसको हटा देते हैं, ये कितना हो जाएगा 0, यहाँ पे 230 ऐसे दिख रहा है, 230 दिख रहा है, तो इसका आधा करोगे तो 115 इसका आंसर हुआ। सो थोड़ा सा लंबा तो हुआ, ठीक है, अब इसका शॉर्ट मेथड कुछ मैं लिखा देखूंगा, मिलेगा तो जरूर मैं इस क्वेश्चन को शॉर्ट मेथड से भी एक बार करा दूंगा, ठीक है। ये एक बेसिक मेथड हो गया जो कि अब ऐसे क्वेश्चंस कभी भी किसी कितना भी घुमा के दे दे आप कर सकते हो, ठीक है, तो वो एपी वाला कॉन्सेप्ट अगर मालूम हो तो। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कैसे हुआ।